इस फिल्म में दो जो लड़के हैं, लड़का लड़की हैं, जो दो मेन कैरेक्टर हैं, लड़के ऐसी चीज़ें करता है जिसका असर लड़की की ज़िंदगी पर पड़ता है, लड़की ऐसी चीज़ें करती है जिसका असर लड़के की ज़िंदगी पर पड़ता है। लेकिन लड़का लड़की को जानता नहीं, लड़की लड़की को जानती नहीं, दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, और दोनों को ये भी नहीं मालूम कि ऐसा कोई है इस शहर में जिसकी एक्शन का रिएक्शन उनकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। हाँ, तो उनकी कहानी है। मेरा किरदार एक डांसर है और वो उसको फेमस डांसर बनना है, तो वो बड़ी पैशनेट है, एम्बिशियस है, और उनका जर्नी आप देख पाएंगे कि उनका क्या करना पड़ता है शहर में जो वो ड्रीम्स परस्यू करने के लिए। और हाँ, अब एक वो टाइम पे आ जाती है जो वो एक डब्बे में फंस गए हैं, और फिल्म में देख पाएंगे कि वो कैसे निकलती है कि नहीं। हमेशा से, काफ़ी सालों से मेरी ये ख्वाहिश रही है कि देविका के साथ एक फिल्म करूं जिस जो वो डायरेक्ट करेगी। तो मेरे पास एक आइडिया था, मैंने उसको घर पे बुलाया और आइडिया सुनाया। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया है। मैंने बोला चल सुना दे। उसने सुनाया मुझे उसका आइडिया, फिर मैंने बोला यार तेरा आइडिया तो मेरे आइडिया से ज़्यादा अच्छा है। उसने बोला हाँ तेरे से ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने बोला चलो तेरा आइडिया बनाते हैं। वही था 1/2 का आइडिया। उसने कुछ एलिमेंट्स इस मेरी कहानी के लिए, लेकिन उसने ज़्यादातर अपनी खुद की कहानी लिखी। तो डेवलपमेंट फेज से ही मैं इसमें इन्वॉल्व था। मुझे आई थिंक बिगेस्ट टिप मुझे दिया है कि डरना मत, मतलब बी योर सेल्फ, और मिस्टेक्स होने की मिस्टेक्स होते हैं तो वरी मत करना, तो पूरा फ्रीली एक्टिंग करना है, तो पूरा फ्रीली परफॉर्म करना, वो मेरा आई थिंक बिगेस्ट है। एक टिपिकल रोमांटिक रोमांटिक कॉमेडी कॉमेडी नहीं नहीं है। है। आई मीन हमने हमने सोचा सोचा कि कि और और कौन कौन से से डब्बे डब्बे में में डालें डालें हम हम इसको, इसको, एक आदत आदत है है हम हम सबकी सबकी कि कि सबको सबको एक एक बॉक्स बॉक्स में में डाल डाल के के ताकि ताकि समझ समझ पाए पाए कि कि इसका इसका बॉक्स बॉक्स है, है, वो वो किसका किसका बॉक्स बॉक्स है, है, इस इस बॉक्स बॉक्स में में डालो डालो या या उस उस बॉक्स बॉक्स में में डालो। डालो। तो हम उस उस बॉक्स बॉक्स की की खोज खोज में में हमने हमने रोम रोम कॉम कॉम के के बॉक्स बॉक्स में में डाल डाल दी दी है, है, लेकिन लेकिन ये ये टिपिकल टिपिकल रोम रोम कॉम नहीं नहीं है। है। ये उतनी उतनी ही ही रोमांटिक रोमांटिक है है जितनी जितनी आई आई सपोज सपोज यू यू कैन कैन से से जिंदगी जिंदगी ना ना मिलेगी मिलेगी दोबारा दोबारा रोमांटिक रोमांटिक थी। थी। ये ये उतनी उतनी ही ही फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल है है जितनी जितनी जिंदगी ना जिंदगी ना मिलेगी मिलेगी दोबारा दोबारा थी। थी। मैं मैं हमेशा हमेशा इसको इसको एक एक जिंदगी जिंदगी ना ना मिलेगी मिलेगी दोबारा दोबारा और और सोचा सोचा था था कम कम मिक्स मिक्स कहता कहता हूँ हूँ इस इस फिल्म फिल्म को। को। तो तो ये ये वैसी वैसी टाइप टाइप की की फिल्म फिल्म है। है। मेरा पूरा लंबा लिस्ट है डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना है। ओ एक्टर, डायरेक्टर क्यों नहीं पूछते हैं? डायरेक्टर फर्स्ट कोई आता है, इंटरेस्ट फिर नहीं है मेरा इनको डायरेक्टर स्क्रिप्ट में, आती है। स्टार बेचता है ना फिल्म, डायरेक्टर थोड़ी अच्छा बेचता अच्छा स्टार विच, ओके। है। नहीं, ऑब्वियसली मैं ओपन हूँ। फेवरेट एक्टर्स है लाइक शाहरुख, सलमान, ऋतिक, हाँ डुगु डुगु डुगु। ऋतिक तो बोलो। हाँ, हाँ यू हैड मी एट ऋतिक। आई हैड यू एट ऋतिक, बस। हाँ तो ऋतिक है, और हाँ डेफिनेटली अभी की फिल्म मुझे 1/2 बहुत पसंद लगी। हाँ, मैंने फर्स्ट देवदी देखा था, तो आई थिंक देवदी मेरा फेवरेट है।